ठीक, तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, बात हो रही है डाइपोल मोमेंट की। अभी आपने देखा कि जब मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन में स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने उस पर चार्ज दिखाया था, जैसे कि ये था नहीं CH2CH CH3, और इसका मैंने क्या बनाया था स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, CH2CH डबल बॉन्ड CH2 विद अ माइनस एंड ए H+। तो यहां सिस्टम में चार्ज डेवलप हो गया, जैसे जैसे चार्ज डेवलप होगा वैसे वैसे आपका डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट बेसिकली चार्ज का ही तो मेजर है एक तरीके से। तो फिर आप ये कह सकते हो जहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, वहां पे डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट भी बढ़ जाएगा। अब इसमें कुछ देखना नहीं है, अगर आप इस फंक्शनल ग्रुप को देख रहे हैं तो पड़ोस में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, 3 अल्फा यहां पे हैं, तो यहां पे बढ़िया हाइपर कॉन्जुगेशन आप कह सकते हो सकता है, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी है, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इसका कम होगा यहां पे नहीं है। अब अच्छा सवाल अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो अच्छा सवाल मेरी समझ से होगा कि अगर फिनॉल है आपके पास, ऐसे देखो अच्छे सवालों की बात करें तो ऐसे फिनॉल है और मेरे पास एक सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है जिसमें मैंने यहां पे CH3 लगा दिया। अब आपसे पूछे किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो भाई साहब इसका ज्यादा होगा, यहां पे क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा। एक यही आर्टिकल है जिसको एग्जामिनर ने एक्सप्लोर नहीं किया अच्छे से, तो मैंने सोचा मैं ही एक्सप्लोर कर दूं इससे पहले एग्जामिनर आपसे पूछ बैठे। उसके अलावा अगर एक और केस की बात करी जाए कि मान लीजिए आपके पास नाइट्रोबेंजीन है और एक सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन है, ऐसा कुछ है CH3NO2, तो कुछ सोचना नहीं है किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने वाला है, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, इसका कुछ कम होगा। ठीक, तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे डाइपोल मोमेंट को बच्चों बढ़ा देगा। ठीक, अब तो बस एक ही चीज बतानी है, इसको हटाएं तो वो भी बताएं। अब हमें आप